हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास पाची। तो गाइस, आज जब मैंने अपना सुबह सुबह उठ के फ़ोन देखा और एक वीडियो मेरे सामने आई यूट्यूब पे, अक्षय कुमार ने डाली है, तो उस पर मतलब मैं रिएक्ट करे बिना नहीं रह सकती। मैं कुछ अपना भी रिएक्शन व्यू दूंगी और मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस वीडियो को देखें जिसने अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि आप लोगों को भी पता चलेगा कि सिर्फ सुसाइड करना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। सिर्फ मर जाना, सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी चीज़ से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो जिस पे अक्षय कुमार ने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ, और उससे पहले जो लोग नए हैं, जो मेरी वीडियो सिर्फ देख के उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जाइए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास में बेल दे रखी है उस पर भी क्लिक कीजिएगा, जैसे ही मेरी कोई भी नई वीडियो आती है आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। ओके, प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज़ है। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत, अगर उन्हें पता चले कि तुम बिल्कुल सही है ना, आपकी जान सबसे कीमती होती है। आप ऐसे कैसे सुसाइड कर सकते हैं? किसी भी कोई भी सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। ये थोड़ा आप सुसाइड कर लेंगे तो मतलब सॉल्यूशन का मिल गया, मर जाओ सब सही हो जाएगा। नहीं, आपकी जान है, आपकी ज़िंदगी है, वो इतनी सस्ती है कि आप सुसाइड कर लेंगे? नहीं ना। तो मुझे पर्सनली ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है, शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, मेरा पहला नेशनल अवार्ड जो मुझे आज हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों से मिलेगा, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है। आपको पता है जिस दिन इस नेशनल अवार्ड कुछ सही है, हम लोग नहीं सोच सकते हमारे बाप को कैसा लगेगा जिसने हमें जन्म दिया है, जिसकी वजह से हम आज दुनिया में आए हैं, और सुसाइड कर लें हम एक बार में? नहीं ना। आप सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोच सकते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कुछ, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। फिर की अनाउंसमेंट हुई थी ना, उस दिन मैं अपनी माँ से बात करते हुए अपने बचपन का एक दिन याद कर रहा था, जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आया था और मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। आप लोगों से झूठ नहीं कहूंगा, मैं उस कक्षा में फेल हो गया था। रिपोर्ट कार्ड लाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज घर में बड़ी कुटाई होने वाली है यार। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे सामने बिठाया और बड़ी शांति से कहा, देखो बेटा, तुम करना क्या चाहते हो ये बताओ, मुझे बताओ करना क्या चाहते हो। मैंने कहा, पापा मैं स्पोर्ट्स में मन लगता है मेरा, मैं खेल कूद करना चाहता हूँ, खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर उसमें ध्यान दो, हम सपोर्ट करेंगे, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो। आप विश्वास नहीं करोगे, खेलते खेलते मैं मार्शल आर्ट करने लग गया, मैं मॉडलिंग में आ गया, एक्टिंग। ये बात भी ना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात बोली। आपके बच्चे जिसमें इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप उनको जाने दिए, ये मत बोलिए कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऐसा मत करिए। उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उसके पीछे फालतू में पड़े हुए हैं कि नहीं इसके कोचिंग कर ले, नहीं उसमें नंबर मेडिकल में नंबर ही आना चाहिए, ऐसा मत करिए अपने बच्चों के साथ। पेरेंट्स को भी ना ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। आप बच्चों पर क्यों इतना दबाव डाल रहे हैं कि वो स्ट्रेस में आ जाएँ? क्योंकि इस एज में बच्चों पर स्ट्रेस आता है, उन पर पढ़ाई का ही बोझ है, और क्या बोझ है उनके पास, उनको कमाने का तो नहीं है ना इस एज में। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना है, उनकी ज़िंदगी है, उनको थोड़ा तो जीने का, उनको थोड़ा जीने का, बोलने का, उनका इंटरेस्ट जानने का, उनको सपोर्ट करना चाहिए हमें। हम सपोर्ट करें, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो। उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स ने ये ना समझाया होता कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि ये नेशनल अवार्ड कभी मेरे हाथ पे होता। ये अपने लाइफ की कहानी मैं आपको एक वजह से सुना रहा हूँ। कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक आईआईटी के स्टूडेंट्स ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए। उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक 5-स्टार होटल के रूम से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी।
एग्जाम में फेल हो गया था। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब 8 लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन 1.5। क्यों आप लोग फेल होने पे मतलब कूद के मर जाएंगे, किसी में नंबर नहीं आया तो सुसाइड कर लेंगे, अपनी जिंदगी किसी के साथ खेल जाएंगे? आपकी जिंदगी सस्ती है कि एक टेस्ट में नंबर नहीं आया या आप किसी एग्जाम में फेल हो गए तो आप मर जाएंगे सीधे? सर कौन करता है, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? पता नहीं, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए ना, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो किसी बात से परेशान तो नहीं है? आप उन लोगों से बातें तो कीजिए ना, क्योंकि मुझे लगता है अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से बातें करते हो तो उन्हें पता चल जाता है उनके बच्चे परेशान हैं किसी बात को लेके, जितना मुझे लगता है पर्सनली। तो कुछ पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशनशिप का स्ट्रेस। क्यों, तुम्हारी जान एक एग्जाम के मार्कशीट से सस्ती हो गई है? नहीं, ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो, इससे तो देश के लिए सरहद पे जाके जान लगा दो दाव पे। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले। सही बात है, यहाँ मरने से अच्छा अपने देश के लिए कुछ करो। क्यों यार, कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है, शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है, पर इतने हल्के में मत लो अपनी लाइफ को यार। आपको पैदा करने वालों को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख देके मत जाओ। बिल्कुल सही बात बोली आप, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, मम्मी पापा, शायद उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं करता होगा। एक बार उनके बारे में सोच लीजिए ना, तो आप कभी कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा काम नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ के साथ, सीधे सुसाइड कर लिया नहीं। और पेरेंट्स से भी यही कहूँगा, यही पूछना चाहूँगा कि कहाँ गए वो ज़माना, कहाँ गया वो ज़माना जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैठ के बातें किया करते थे, पूछा करते थे कि कैसा चल रहा है, आपके दोस्त कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। आज आपका बच्चा आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फ़ोन में आंखें गाड़ के बैठे हो और आपका बच्चा भी फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चे को हाथ पांव पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को बुला लेते हो, लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्चर झाड़ देते, कहते थे बेटा नो, थिंक पॉजिटिव। मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर या काउंसलर से हेल्प लेना उतना ही ज़रूरी है जितना हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ आप सब लोग भी सोचिए, क्यों हम अपनी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों, मतलब ज़िंदगी इतनी सस्ती है हमारी? आप लोग फ़ोन में, आजकल की ज़िंदगी में हर कोई एक कमरे में बैठे हैं, जितने भी लोग हैं टोटल सब अपने अपने फ़ोन में लगे, तो कोई किसी से बात ही नहीं करता है, कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा उसको कोई प्रॉब्लम है तो। हमें डिस्कस करना चाहिए हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें सब सामने वाले को बताना चाहिए, जिसके भी हम क्लोज हैं ना सबसे ज़्यादा उसको हमें बताना चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, आप क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं? ना और किसी तकलीफ़ के लिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान। तो बस मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा सोचिए इस बारे में, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने भी सोचा कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है सुसाइड करना, ये तो बहुत ही, मैं क्या ही बोलूँ, चलिए छोड़िए, सॉल्यूशन नहीं था ये। सॉल्यूशन होता है जो आपके साथ कोई प्रॉब्लम है उसे लड़ना, उसका कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकालना, सुसाइड कर लेना। ज़िंदगी कोई इतनी सस्ती है क्या? माँ बाप ने हमें ज़िंदगी दी है, अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए हमें, वो लोग हमें कितना प्यार करते हैं, हमारे मरने के बाद उनका क्या होगा? आप तो चले जाएंगे, उनका क्या होगा? आपसे बहुत लोग दुनिया में होंगे जो बहुत प्यार करते होंगे, उनके बारे में सोचिए। अच्छा अच्छा काम कीजिए ना, अच्छी अच्छी सोच रखिए तो अच्छा लगेगा, कुछ दिमाग में नेगेटिव मत लाइए। और अगर आपको किसी बात से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ, अकेले मत बैठिए। इसके तो डॉक्टर्स भी होते हैं, आप डॉक्टरों के पास जाइए, उनको बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको बताएंगे।
अकेले मत बैठिए, सबसे साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, ठीक है? तो आप लोग मुझे बताएगा मैं नेक्स्ट वीडियो पे किस पे रिएक्ट करूँ, ठीक है? जब तक फिर मिलते हैं। और हाँ, आपको वो बात तो याद होगी ना, जो मेरी वीडियो ऐसी देख रहा है बिना सब्सक्राइब किए, तो पहले जाओ और सब्सक्राइब करो, उसके बाद देखना। वैसे भी देख सकते हो, बस सब्सक्राइब भी तो करो ना यार, ये थोड़ा ना बात होती है आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ऐसे देख के चले जाते हो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, जाके पहले सब्सक्राइब करो फिर देखना, मेरे को और भी अच्छा लगेगा ना। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे, तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैं जल्दी जल्दी और भी बहुत सारी वीडियो डालती रहूँगी, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।